मार्च 2021 से हमने लाडली फाउंडेशन के साथ मिलकर बाहरी दिल्ली के कुछ पर्टिकुलर एरियाज जो कि स्लम एरियाज भी हैं और जे क्लस्टर्स भी हैं उनमें एक प्रोग्राम की शुरुआत करी थी जिसको के नाम दिल्ली पुलिस के युवा इनिशिएटिव के तहत युवा जोश का नाम दिया गया है। इसमें इन जे क्लस्टर्स और स्लम एरियाज के उन बच्चों को खासतौर पे जो क्राइम की तरफ जाने के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल रहते हैं जिनमें जिनके पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं दे पाते या बाकी सिबलिंग्स उन पर ध्यान नहीं दे पाते ऐसे बच्चों को सिलेक्ट किया गया था इनिशियली। इसमें इन बच्चों को स्पोर्ट्स के थ्रू पॉजिटिवली एंगेज किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाती है, उसके बाद उनके स्किल सेट के आधार पर जिस भी चीज़ या जिस भी स्पोर्ट्स में उनकी बेसिक रुचि रहती है उस स्पोर्ट्स को टीम स्पोर्ट्स को उनको खिलाया जा रहा है। यहाँ कुछ प्रोफेशनल कोचेस भी अवेलेबल कराए गए हैं उन स्पोर्ट्स के लिए, पर्टिकुलरली वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो जैसे गेम्स उनको खिलाए जा रहे हैं। साथ में उनको योगा और ध्यान लगाने संबंधित भी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड जिससे डेवलप हो ऐसी एक्टिविटीज़ भी रेगुलरली कराई जा रही हैं। स्लम्स में या जे क्लस्टर्स में इन प्रोग्राम्स को कराने के पीछे धारणा यही है कि इस तरीके से पॉजिटिवली एंगेज करके जो क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जाने वाले फ्रिंज एलिमेंट्स हैं खासतौर पे जो हमारे बच्चे हैं वो उस तरफ ना जाएं और उनको हम इन बुरी एक्टिविटीज़ से निकाल के या उससे निजात दिला के किसी पॉजिटिव साइड की तरफ रख सकें। इसमें हमने कई सारे बच्चों को टू बी प्रिसाइज आउटर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हम 100 ऐसे बच्चे रहे हैं जो डे वन से हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने अभी तक इसके पिछले 5-6 महीने के सफ़र में इस प्रोग्राम के हमारा साथ नहीं छोड़ा है। इनको नो डाउट इनको इनके पेरेंट्स को बार बार काउंसिल करने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें ये काउंसलर्स की हेल्प भी हमें लाडली फाउंडेशन के थ्रू मिल रही है। आगे चलकर इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग कोशिश में हैं कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े रहेंगे पर्टिकुलरली वो बच्चे जो कभी ना कभी क्राइम या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में सम्मिलित हो गए थे या फिर वो बच्चे ऐसे जो नशे आदि जैसी सामाजिक कुरीतियों की तरफ चले गए थे उनको उससे निजात मिले, उनको आगे कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाएगी अगेन उनके स्किल सेट के आधार पर और उसके बाद उनको प्लेसमेंट के संबंधित भी हम लोग कोशिश में रहे। इन एरियाज़ में प्रायः देखा जाता है कि जुवेनाइल या नाबालिग बच्चे गली नुकड़ों पर शाम के टाइम खड़े रहते हैं, अंधेरे के टाइम में पार्क्स में भटकते रहते हैं। इससे ना सिर्फ क्राइम के रेट में इजाफा होने की संभावना रहती है बल्कि इन बच्चों को नशे आदि की प्रवृत्ति भी इनमें डेवलप होती है। स्पोर्ट्स के थ्रू इनको पॉजिटिवली एंगेज करने से ये वाली प्रॉब्लम्स जो देखी जा रही थी उनको कंट्रोल करने में या उन पर कमी पाने में मदद मिली है। सो नो डाउट दिस प्रोग्राम इज़ नीड ऑफ द आवर। प्रोग्राम्स लाइक सच कैन गो अ बिग वे इन हेल्पिंग चेक जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ऑफ ऑल टाइम्स।